morning. Today we will start first English word. Small alphabet. A to A तक मेरे बच्चों का ये वर्क कंप्लीट हो चुका है. तो आज मैं इसी अल्फाबेट की जो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं इनकी मैं करवाने वाली हूँ आपको प्रैक्टिस. तो एक बार रिवीजन हो जाए, रिवीजन टाइम स्टार्ट. तो बच्चों जैसे कि आपका ये कर्से बुक में भी पेज नंबर 1 to 11 आपको कहां तक कंप्लीट करना है, 1 to 11 तक आप कंप्लीट करेंगे सबसे पहले. उसके बाद आप आज आपकी मैम क्या लेके आई है, पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13. पेज नंबर 12 एंड 13 में आपको क्या करना है, तो आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13. बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है, बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चों को, एंजॉय करने वाले हैं. तो बच्चों इसमें करना क्या है, बहुत इजी वर्क है. आपको यहाँ पर पेज नंबर 12 में क्या करना है, 2-2 लाइन सभी अल्फाबेट्स की है. ए की भी है 2 लाइन्स, ब की भी है, क की भी है एंड ड की और ए की भी है. आपको ओनली 2-2 लाइन्स ये कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को ऑलरेडी ये वर्क आता है और बहुत ही अच्छे से करते हैं ये. और बच्चे साथ ही साथ आपको पेज नंबर 13 भी कंप्लीट करना है. इसमें क्या है, एक बेबी एक बॉय के हाथ में लेफ्ट एंड राइट दोनों हैंड्स में उसने कुछ बैलून्स होल्ड किए हुए हैं. राइट साइड में उसके पास 3 बैलून्स हैं एंड लेफ्ट साइड उसके पास 4 बैलून्स हैं. इसमें लिखा हुआ है कि कलर द बैलून्स बाय फॉलोइंग द कलर कोड. आपको कुछ कलर्स कोड दिए हुए हैं, आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इन बैलून्स में कलर फिल करना है. जैसे ए के साथ लिखा हुआ है रेड कलर, आपको दोनों हैंड में जो भी ए के साथ में बैलून है जिसमें अल्फाबेट ए लिखा हुआ है उसमें आप कलर फिल करेंगे रेड. एंड नेक्स्ट कोड है ब, ब में आपको कलर फिल करना है येलो, येलो राइट साइड है आपको येलो कलर फिल करना है. ऐसे ही आप जो कलर्स के कोड दिए गए हैं आप उन बैलून्स में वो कलर फिल करेंगे. और उसके साथ साथ में आपको नीचे एक और वर्क है, स्मॉल सा इंटरेस्टिंग वर्क. उसमें क्या है, इसमें करना है हेल्प द हैंड टू टेक द पाथ इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर टू गेट टू हर बेबी. उस हैंड को अपनी बेबी के पास पहुंचना है और उसको आपको कैसे लेके जाना है, बेबी के पास आप कैसे रास्ता बताएंगे करेक्ट लेटर के साथ में. आपके लिए इजी हो जाएगा. ए के बाद क्या आता है, ब. आप ब के पास लेके जाइए लाइन को, आपको पेंसिल के साथ ड्रॉ करनी है ऐसे. ब के बाद क, क के बाद ड, ड के बाद ए और बेबी मिल गया हैंड को. ऐसे ही आप इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं, जो बीच में स्टोन्स दिए गए हैं आप उनके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं. तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट वर्क. इसके साथ साथ में आपको एक और वर्क भी करना है. पहले मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी, उसके बाद मैं एक आपके लिए स्मॉल सा वर्क करवाऊंगी. जैसे कि बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में बच्चों मैंने लिखा हुआ है स्मॉल अल्फाबेट ए, ब, क, ड एंड ए. और सेम अल्फाबेट मैंने कैपिटल लेटर में भी क्लियर किया है कि इसको हम ए बी सी डी ई कहते हैं. और साथ ही साथ मैंने लिखा हुआ है स्वर ऐसे ऐनक, ब से बतख, क से कबूतर, ड से डमरू और ऐसे एड़ी. जैसे कि हम इनको बोलते हैं स्मॉल लेटर्स को, ऐसे ही हम इनको कैसे बोलते हैं, हिंदी के स्वर और व्यंजन के साथ साथ में भी हम इनको बोलते हैं. और उसके साथ साथ में मैंने कुछ पिक्चर्स भी जैसे ड्रॉ की हुई हैं, जैसे ऐसे ही मैं स्टोरी दे रही हूँ आपको जिसके साथ साथ में मेरे बच्चों को ये चीजें अच्छे से लर्न हो जाएंगी. ऐसे ए ए ए एलिगेटर, एलिगेटर ईट्स ए ए ए एप्पल. देखो मैंने स्टोरी बना दी, मैंने क्या किया ए को एलिगेटर बना दिया और उसके माउथ में मैंने ए ए ए एप्पल ईट करवा दिया. ब ब ब बेबी, एक मम्मा है. देखो ये जो मम्मा है ये खड़ी है ऐसे बच्चे को, बेबी को हाथ में होल्ड करके ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है बेबी को,
बेबी। देखो मम्मा खड़े हैं और हाथ में लिया हुआ है बेबी, है ना? ऐसे बेबी। ये क्या है? क से मैंने और क्या स्टोरी बना दी? क क क कैट, आप बच्चे को ऐसे आप पिक्चर भी बनाएं साथ साथ में, अल्फाबेट की आप स्टोरी बना दो, बच्चे को लर्न रहेगा कि आप कौन सा अल्फाबेट उनको लिखवा रहे हैं। ड ड ड डॉग, ये डॉग मैंने कैसे बनाया? ऐसे है डॉग, उसने अपनी टंग बाहर निकाली हुई है और वो अपनी टेल को पूंछ को हिला रहा है। ड ड ड डॉग। एलिफेंट, मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है? ए एलिफेंट। आप बच्चे को ऐसे ही ये पिक्चर ड्रॉ करके देंगे जिसके साथ उसको ये एलिफेंट, ये जो अल्फाबेट मैं बोल रही हूँ वो उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टोरी के साथ में। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट वर्क, अब हम करेंगे नेक्स्ट।